ऑलराइट गाइज, आज से पहले मैंने किसी भी मिनी स्मार्टफोन का रिव्यू नहीं किया इस चैनल पे, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्मार्ट वॉच का रिव्यू करने वाला हूँ जिसके अंदर आप अपनी मनपसंद एंड्रॉइड गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो और साथ साथ यूट्यूब वीडियोस का भी मजा ले सकते हो। प्लस इस वॉच के अंदर आप सिम कार्ड इंसर्ट करके किसी को भी कॉल लगा सकते हो और भी बहुत से फीचर्स आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको 4G नेटवर्क वॉच अल्ट्रा लिखा हुआ देखने को मिलता है। देन आपको वॉच की एक फोटो देखने को मिलेगी और वॉच के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको बॉक्स के ऊपर मेंशन किए गए हैं। बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको एक ओशन लूप स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी इन स्ट्रैप्स की। देन आपको एक पोको पिन वाली चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ओके से लगी, और अगर वायर की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ भी मेरे को काफी ठीक ठाक लगी। नेक्स्टली आपको बॉक्स में एक एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी वॉच देखने को मिलती है, जिसकी बात की जाए तो और वॉच के राइट साइड पे आपको एक क्राउन बटन देखने को मिलता है। देन आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा और लास्ट में आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात की जाए वॉच के बैक साइड की तो बैक साइड पे कुछ सेंसर एंड लाइट देखने को मिलते हैं एंड चारों कॉर्नर पे आपको रियल स्क्रूज देखने को मिलेंगे एंड वॉच के लास्ट में आपको एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है एंड लास्ट में आपको एक सिम पोर्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपनी 4G सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। बाकी अगर वॉच के डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड पे भी आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है। तो चलिए इस वॉच को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। वॉच स्टार्ट करने पे आपको एंड्रॉइड का लोगो देखने को मिलता है एंड हमारी वॉच अराउंड 30 से 40 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात की जाए इस वॉच के साथ मिलने वाले नंबर ऑफ वॉच फेसेस की तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 7 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं और इन वॉच फेस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी अगर बात की जाए इस वॉच के साथ मिलने वाले यूआई की तो लेफ्ट टू राइट स्लाइड करने पे आपको कोई सा भी यूआई देखने को नहीं मिलेगा, अप साइड स्लाइड करने पे भी आपको कोई भी यूआई देखने को नहीं मिलता है एंड वॉच में राइट टू लेफ्ट स्लाइड करने पे आपको कुछ मेन्यू सेट्स के फीचर्स देखने को मिलेंगे और वॉच में डाउन साइड स्लाइड करने पे वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको एंड्रॉइड फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वॉच में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं, मतलब वॉच को आउटडोर में यूज करने पे आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। देन आपको वॉच में एक वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्टली आपको एक ब्लूटूथ का फीचर देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको एक DND फीचर देखने को मिलता है। बाकी सिम कार्ड इंसर्ट करोगे तो नेट भी इस वॉच के अंदर चला सकते हो। उसके बाद आपको सिम कार्ड की नेटवर्क का लोगो देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको एक एरोप्लेन मोड देखने को मिलता है इस वॉच के अंदर। देन आपको एक लोकेशन फीचर देखने को मिलेगा और इस वॉच का साउंड वगैरह कंट्रोल करने के लिए आपको साउंड वाला फीचर भी दिया गया है इस वॉच के अंदर। तो गाइस ये थे इस वॉच के साथ मिलने वाले UI। चलिए अब बात करते हैं इस वॉच के साथ मिलने वाले नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स की। तो इस वॉच के साथ आपको 5 मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं जिसको आप डबल टैप करके क्राउन बटन पे चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले आपको एक फोन कॉल नाम से फीचर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप सिम डाल के आप कॉल वगैरह कर सकते हो इजिली और अपने कॉन्टेक्ट वगैरह भी इजिली सिंक कर सकते हो जीमेल के थ्रू। एंड उसके बाद आपको एक सेटिंग फीचर देखने को मिलता है इस वॉच में जिसके अंदर आपको सेम एंड्रॉइड फोन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इस वॉच के आपको स्टोरेज दिखा देता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वॉच के साथ आपको 16GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। ये एक बेस वेरिएंट है जिसमें 1GB की रैम आपको देखने को मिलेगी प्लस 64GB की स्टोरेज आपको इस वॉच के साथ देखने को मिलती है। और अगर आप इससे हायर वर्जन पे जाना चाहते हो तो अराउंड आपको 4GB की रैम देखने को मिलती है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बाकी अगर बात की जाए इस वॉच के एंड्रॉइड वर्जन की तो इस वॉच के साथ आपको 8.1 एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है और वॉच में अपडेट आने पे भी आप इस वॉच को इजीली अपडेट कर सकते हो। नेक्स्टली आपको वॉच में एक ब्राउजर देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ी देर ब्राउजिंग वगैरह करके देखते हैं किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ी देर वॉच में ब्राउजिंग वगैरह करने के बाद मुझे पता चला इस वॉच में किसी भी टाइप की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी ब्राउजिंग करते वक्त। बस आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी जो कि आपको टाइपिंग करते वक्त देखने को मिलती है अगर आपकी हैंड की फिंगर ठीक है तो। बाकी वॉच में आपको और वॉचेस की तरह कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है जिसका यूज करके आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन तेज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक कैलेंडर फीचर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हो रिमाइंडर फीचर के थ्रू। देन आपको वॉच में एक कॉन्टेक्ट फीचर देखने
को मिलता है जिसके अंदर आप अपने अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर सकते हो, वो भी बिना किसी स्टोरेज की दिक्कत के। नेक्स्टली आपको वॉच में एक एल्बम फीचर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप फोटोज या फिर अपनी वीडियोस देख सकते हो जो भी आपने अपनी वॉच के अंदर शेयर की हुई है। और उसके बाद वॉच में आपको एक मैसेज फीचर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप मैसेज की नोटिफिकेशन या फिर डायरेक्टली रिप्लाई भी कर सकते हो वॉच के थ्रू। चलिए गाइज आप फाइनली टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच के सेंसर। सेंसर टेस्ट करने के लिए मैंने ऑन कर लिया इस वॉच में हार्ट रेट फीचर एंड देखते हैं कि ये वॉच हमारे टेबल का हार्ट रेट बता पाती है या फिर नहीं। बट हार्ट रेट फीचर दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ आपको इस वॉच के सेंसर। अगर आप इस सेंसर से रिलेटेड कोई भी ऐप ओपन करते हो तो आपको बैक साइड पे लाइट ब्लिंक करते हुए देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस वॉच में सेंसर वर्किंग तो देखने को मिलते हैं बट चेक करते हैं एक्यूरेट है या फिर नहीं। तो फाइनली गाइस थोड़ी देर बाद हमारी वॉच ने फाइनली टेबल का हार्ट रेट बता दिया है, तो कह सकते हैं इस टेबल के अंदर भी आपको दिल देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके बाद आपको इस वॉच में एक प्ले स्टोर फीचर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और चाहते हो अगर कोई गेम्स वगैरह खेलना तो आप उनको भी सर्च करके इजिली इंस्टॉल कर सकते हो और उस गेम का फाइनली मजा उठा सकते हो। तो अब मैं गाइस फाइनली इस वॉच का गेमिंग टेस्ट आपको कराता हूँ। तो गेमिंग टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं प्ले करने वाला हूँ सबवे सर्फर गेम को एंड देखने वाला हूँ कि कितनी देर में हमारी वॉच में गेम स्टार्ट होती है एंड किस टाइप का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस वॉच के साथ गेम खेलने पे। तो गाइज इस वॉच में 25 से 30 सेकंड में सबवे सर्फर गेम स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज 5 से 10 मिनट गेम खेलने के बाद मुझे पता चला इस वॉच में आपको खाली एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि आपको कभी कभी लैग देखने को मिलता है बीच बीच में वॉच में, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है स्टोरेज के कारण इस वॉच में आपको लैग्स देखने को मिलता है कहीं कहीं। बट ओवरऑल वॉच में गेम प्रॉपरली वर्क कर रही है, पर कह सकते हैं कि इस वॉच में आप सबवे सर्फर जैसी गेम इजिली खेल सकते हो। बट आगे हम और भी गेम्स का टेस्ट करने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इस वॉच के अंदर अपनी मनपसंद गेम्स खेल सकते हो या फिर नहीं। चलिए गाइज अब मैं आपको सेकंड वाली गेम को प्ले करके दिखाता हूँ इस वॉच के अंदर, जो कि रहने वाली है हमारी स्नेक वाली गेम। तो अगर इस गेम के स्टार्टिंग टाइम की बात की जाए तो ये अराउंड 15 से 20 सेकंड में इजीली स्टार्ट हो जाती है और इस गेम के अंदर आपको स्नेक को फ्रूट्स खिलाने होते हैं और लंबा चौड़ा करना होता है हाइट में। तो गाइस वॉच में 5 से 7 मिनट गेम खेलने के बाद मेरे को पता चला इस वॉच में आप स्नेक वाली गेम भी इजीली खेल सकते हो। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी मनपसंद गेम अगली वीडियो में खेल के दिखाऊं तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन की थी, और उसके बाद अपनी मनपसंद गेम को टाइप करके कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे। सो गाइस चलिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इस वॉच के अंदर YouTube एंड आपको सुनाता हूँ इस वॉच का म्यूजिक साउंड। तो गाइज ये था इस वॉच का म्यूजिक साउंड एंड कैसा लगा आपको इस वॉच का साउंड कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना। बाकी उससे पहले हमारा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। और अगर बात की जाए इस वॉच के वाटर रेटिंग की तो ये वॉच आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंसी के साथ देखने को मिलता है, और कोशिश करना इस वॉच को कम से कम पानी में यूज करने की क्योंकि इस वॉच के स्पीकर इजिली खराब हो सकते हैं। एंड गाइज इस वॉच का लास्ट फीचर मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इस वॉच के अंदर इजिली ड्रैग करके कहीं पे भी ले जाके रख सकते हो, और अगर किसी की ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो वो भी इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी ये थे इस वॉच के सभी फीचर्स। तो फाइनली गाइस मैंने इस वॉच से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो इस स्मार्ट वॉच को परचेज करना तो आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है तो काफी ज्यादा प्राइसिंग पे सेल हो रही है इंडिया में। और अगर इस वॉच का प्राइसिंग का आइडिया दूं तो ये अराउंड आपको 4 से 5 हजार रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।